सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज मैं शूट कर रही हूँ हमारे गोरिल्ला के साथ, और काफ़ी वाइड एंगल दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। और थैंक यू हस्बैंड जी को, क्योंकि उन्होंने कहा था लेने के लिए। मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं थी, मैंने कहा हो जाएगा, आदत हो जाएगी, बट अभी अच्छा लग रहा है। आप भी बताना कमेंट करके कि किस तरीके से दिख रहा है अभी स्क्रीन पर। तो अभी बन रही है चाय, चाय पीते हैं। पूजा मैं कर चुकी हूँ। तो ब्रेकफास्ट के बाद नव्या को पीनी है कोल्ड कॉफ़ी। यहाँ बन रही है कोल्ड कॉफ़ी। तो कैसे बनाने वाले हो ये भी बता दो, रेसिपी शेयर कर दो। दूध, दूध में चीनी, कॉफ़ी, अब इसको ब्लेंड करके और कॉफ़ी बन गई, कोल्ड कॉफ़ी। हाँ कोल्ड कॉफ़ी। तो आप इसको कुछ डेकोरेट भी करने वाले हो? हाँ ठीक है, तो हम देखेंगे अब जब नव्या डेकोरेशन करेगी। तो आप ब्लेंड कर सकते हो अभी। हेलो गाइस, तो मैंने कॉफ़ी बना ली है, कोल्ड कॉफ़ी। तो अब आप देखो कि कैसी बनी है, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसी बनी है। नव्या एंड नव्या के द्वारा बनाई गई कोल्ड कॉफ़ीज़, जिनकी डेकोरेशन दो प्रकार से की गई है। एक है जेम्स प्लस चॉकलेट, एंड द सेकंड वन इज़ ओनली चॉकलेट। सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, वेरी कलरफुल। गुड जॉब नव्या। गुड जॉब बेटा, गुड जॉब। थैंक यू। ये इसने चॉकलेट से इनको पेस्ट किया, राइट? ये बहुत बढ़िया। बाकी टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसी है। टेस्ट कर रहे हैं नव्या की कोल्ड कॉफ़ी। देखो गाइस, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। और ये जेम्स जो आप देख रहे हो, जो मिसप्लेस हो चुके हैं, वो कनिष्क की कोल्ड कॉफ़ी में जा चुके हैं। तो अब आई एम हैविंग अ सिप। आई हैव नो वर्ड्स। हम एक और सिप ले लेती हूँ, एक बोला था बट मैं दो ले चुकी हूँ। मैंने नव्या को कॉफ़ी दे दी थी और मैं कैमरा एडजस्ट कर रही थी, तो मैं चाहती थी नव्या जब फर्स्ट सिप ले तो मैं रिकॉर्ड करूँ। और देखो गाइस, ऑलमोस्ट फिनिश कर चुकी है ये। तो अब आप बता ही दो कि कैसा लगा आपको टेस्ट। टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ओके, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो अभी पूछेंगे कनिष का रिएक्शन। और जैसा कि आप देख सकते हो, अपनी कॉफ़ी पीने के बाद वो नव्या के ग्लास को भी पिए जा रहा है, जिसमें कुछ भी नहीं है, लिटरली बिल्कुल फिनिश हो चुका है। चॉकलेट जैम्स है। ओके, ही इज़ ईटिंग जैम्स। गुड, कैसी लगी कॉफ़ी? टेस्टी। टेस्टी थी। चलो तो फिर ठीक है नव्या, आपकी ड्यूटी है डेली। ये देखो गाइस, ये इस तरीके से हरकतें करती है ये लड़की। गाइस लंच हम कर चुके हैं, फ्राइड राइस बने थे, भूख लगी थी तो जल्दी जल्दी हमने खा लिया, व्लॉग भी नहीं किया। एंड बस अभी प्लान है हमारा आफ्टर लंच कि हम जाएंगे ओखला मंडी, थोड़ी बहुत सब्जी लानी है मुझे घर के लिए। सो अभी हम आए हुए हैं ओखला मंडी सब्जी लेने के लिए, तो चलिए करते हैं शॉपिंग। सो यहाँ पर है पहाड़ी आलू, काफ़ी अच्छे आलू मिल गए हमें आज। एंड हरी हरी सब्जियाँ,
आ चुके हैं हम लोग सब्जी लेकर। काफ़ी रीजनेबल रेट में हमें सब्ज़ी मिल गई वहाँ पर, और इकट्ठा ले लिया हमने क्योंकि डेली डेली मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। हर दूसरे दिन तीसरे दिन सब्ज़ी लाती थी पहले मैं, एक एक किलो या जैसे भी होता था, बट अभी मैं इकट्ठा ले आई हूँ ताकि मुझे यूट्यूब के लिए टाइम मिल सके। तो देखो गाइज हमारी शॉपिंग, ये शॉपिंग की है हमने। मैं तो और भी सब्ज़ियाँ लेना चाह रही थी बट बाइक पे पॉसिबल नहीं था, यही बहुत मुश्किल से लेके आए हम लोग। बाकी देखेंगे थोड़े टाइम बाद कार से ही चले जाएंगे, कार में काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा सामान। तो अब बनाते हैं चाय, फिर आपसे मिलते हैं। आज मैंने सोचा कि चाय पीते पीते आपसे बातें करते हैं, और हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं हमारे घर के लिए है, वो आपको आने वाले व्लॉग में पता चलता रहेगा। अभी हमने बच्चों से भी शेयर नहीं किया है, हम कुछ नया सोच रहे हैं, तो आप हमारे साथ रहिएगा आने वाले व्लॉग्स में, कुछ और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है। आई होप वो अच्छे के लिए ही हो, बाकी तो गुरुजी की मर्ज़ी है। और शाम की चाय के साथ साथ आपसे बातें अच्छा लग रहा है करके, शाम के टाइम चाय का अलग ही टेस्ट आता है। मुझे तो दो टाइम चाय चाहिए ही चाहिए, पहले नहीं पीती थी पर अभी पीती हूँ। और इन्होंने चाय कम कर दी है, पहले रात को 2 बजे भी चाय पी लेते थे। अगर हम उठे और बातें कर रहे हैं तो क्या कर रही है, चाय बना ले। डिनर हमने कर लिया था, डिनर बनाते हुए ही मुझे पता चला कि भाई का ऑपरेशन है मेरे बुआ जी के बेटे का। तो फिर मैं डिनर करते ही हम लोग दोनों हस्बैंड जी और मैं हॉस्पिटल चले गए थे, और भाई को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा पेन भी है उसको भी, तो उसकी हालत इतनी ठीक नहीं लगी थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं किया है, बस अब हम करते हैं इस व्लॉग को एंड। कल मैं जाऊंगी उसे मिलने के लिए, वो ठीक ही होगा, ऑपरेशन उसका ठीक से हो गया था, उसको स्टोन्स थे, थोड़ा सा कंडीशन अलग थी बट अभी सब कुछ ठीक है, ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। तो गाइज अब मैं करती हूँ इस व्लॉग को एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय, गुड नाइट।